नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। आईपीएल और लोकसभा चुनाव साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स में ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद रविंद्र जडेजा तब सुर्खियों में आए थे जब राजस्थान और सीएसके के रोमांचक मुकाबले ने जडेजा ने लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स की बॉल पर छक्का मारकर सबको हक्का बक्का कर दिया था, लेकिन इस दौरान वो गिर गए थे। इस बार कुछ अलग ही बात की वजह से रविंद्र जडेजा सुर्खियां बटोरे जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में जहां बीजेपी का दामन छोड़ने का फैसला कर चुके राजभर ने बीजेपी पार्टी के और उत्तर प्रदेश सरकार से अपना गठबंधन खत्म करने के जैसे फैसले से झटका दिया है, वहीं अब कयास ये भी लगाई जा रही है कि बीजेपी इसे लड़खड़ा सकती है। पर वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को एक छोर पर बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आई। आपको बताना चाहेंगे कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन नयन नाभा जडेजा कांग्रेस में शामिल हो गई। अपने पिता की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके पिता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, विधायक विक्रम मैडम भी मौजूद थे। इससे पहले जडेजा की पत्नी रिवाबा बीजेपी में शामिल हुई थी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन और पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थामा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें जामनगर सीट से बीजेपी के लोकसभा चुनाव का प्रबल दावेदार माना भी जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि हार्दिक पटेल रविवार को जामनगर में अपनी चुनावी रैली में गए थे। इस सभा में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन और पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने कांग्रेस का पटका पहन पार्टी ज्वाइन की। यहाँ के लोग मानते हैं कि रविंद्र जडेजा के पिता और बहन के कांग्रेस में शामिल होने से परिवार की अंदरूनी लड़ाई बाहर आई है, क्योंकि उनकी पत्नी बीजेपी में पहले से हैं। रविंद्र जडेजा के क्रिकेटर बनने के सफर में पिता अनिरुद्ध सिंह के साथ नयन नाभा जडेजा का बहुत बड़ा हाथ है। रविंद्र सिंह की माँ की मौत के बाद नयन नाभा जडेजा ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। ऐसे में जडेजा ने कई बार कैमरे के सामने भी अपनी बहन और पिता के सहयोग को माना है। रिवाबा गुजरात में राजपूत करनी सेना के महिला मोर्चे से भी जुड़ी रही हैं। यहाँ के क्षत्रिय समुदाय की मदद से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आगे अपना राजनीतिक सफर शुरू करने की तैयारी में हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि जामनगर सीट से उनका नाम उछलता रहा है, जहां से मौजूदा सांसद बीजेपी की पूनम मैडम हैं। पिछले चुनाव में पूनम ने अपने चाचा और बड़े कांग्रेस नेता विक्रम मैडम को हराया था। तो वहीं गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। अमित शाह यहां से राज्य सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 सीट यहीं से जीती थी। ऐसे में दर्शक रविंद्र जडेजा की बहन के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।